बॉडी में बैलेंस या इम्बैलेंस हो तो व्यक्ति के लाइफ में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं? तो पंडित जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि चक्र आखिर होते क्या हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, आज का विषय अत्यंत जटिल, कठिन और सबसे ज्यादा रहस्यमय है। आज के विषय का जिसको ज्ञान हो गया, उसको फिर सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका ज्ञान न हो जाए। इस चीज़ का ज्ञान होने के बाद फिर इस धराधाम पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ज्ञान न हो जाए। संपूर्ण सृष्टि 7 चक्रों में डिवाइड है, जिसको आप 7 द्वीप भी कहते हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, चक्रव्यूह में 7 द्वार थे, सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से 7 ताल के पेड़ों को काटने की बात कही थी। 7 का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये 7 चक्र जो होते हैं, ये संपूर्ण विश्व को परिपूर्ण करते हैं। 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र जो होता है, उसका नाम है मूलाधार चक्र। ये मानव शरीर का पहला चक्र है। और ये चक्र होता कहाँ है? ये चक्र रेक्टम के पास, गुदा मार्ग के पास होता है, जो मनुष्य का मल द्वार है, उसके ठीक बगल में ये मूलाधार चक्र होता है। ये धरती तत्व का चक्र है, गुदा और लिंग के बीच में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र संतुलित हो जाता है तो व्यक्ति के विकास की शुरुआत होती है। इससे व्यक्ति में चेतना आती है और व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। जब मूलाधार चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति आक्रामक स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और दूसरों की बातों को समझ नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है। जब मूलाधार चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है। ऐसे लोगों में प्रोस्टेट, मोटापा, गठिया, वेरिकोज, बेंस, पीठ के निचले भाग, कुल्हे, घुटनों में सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। मूलाधार चक्र में संतुलन बनाने के लिए हरी घास पर नंगे पैर जरूर चलना चाहिए। मूलाधार चक्र के बारे में 2 बातें और बता दूं जो आपने किसी से नहीं सुना होगा, वो जान लीजिए। जिस किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, वो व्यक्ति पूजा करते समय आसन से कम 1.5 फीट की ऊंचाई से ऊपर उठ जाता है और हवा में ही बैठे बैठे जितने देर तक चाहे उतने देर तक पूजा उपासना करता है, उसका जमीन से स्पर्श टूट जाता है। ये मूलाधार चक्र के जागृत होने का पहला प्रमाण है। अब दूसरी बुराई क्या है मूलाधार चक्र में? कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वालों की अगर कुंडलिनी मूलाधार चक्र में जा करके और घूमने लगे और मूलाधार चक्र से बाहर न निकले, तो ऐसा व्यक्ति पशुवत कामुक हो जाता है और ऐसा व्यक्ति नीति अनीत को छोड़ करके काम वासना में लिप्त हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि उसका नाश हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है, बहुत बड़ा कलंक लग जाता है, बदनामी हो जाती है। तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का घूमना ये मतलब कि पार्श्विक कामुकता को जन्म देती है। लोग कहते हैं, और यदि कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में न जाकर इड़ा पिंगला नाड़ी में चली जाए तो ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त और पागल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कागज बीनने लगता है, पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। लोग ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि इन्होंने उल्टा मंत्र जप कर लिया, इसलिए ये पागल हो गए, इसलिए ये हो गए। जबकि हकीकत यह है कि कुंडलिनी शक्ति ईड़ा पिंगला में जब प्रवेश कर जाती है सुषुम्ना की जगह, तो ये स्थिति बनती है। तो कहने का आशय यह है कि चक्रों का जागरण अच्छी बात है, लेकिन किसी विशेष विद्वान के ही सानिध्य में चक्रों के जागरण का प्रयास करना चाहिए। अपने से चक्रों के जागरण का प्रयास करने पर
नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।